क्योंकि ये बैठक लगभग 6-7 महीने पहले होनी थी, लेकिन ये जो पूरे विश्व के अंदर हमारे एपिडेमिक के कारण सारे राजनीतिक और छोटे कार्य बैठकों के कार्यक्रम स्थगित हुए हैं, ये आज हमारी बैठक हुई है, छोटी टोली की बैठक यहाँ पे हुई। और मुझे आप सबको बताते हुए इस बात की खुशी हो रही है कि आज हमने जम्मू कश्मीर प्रांत का जिम्मा राज्य अध्यक्ष के नाते मेरे साथ बैठे आदरणीय पवन कुमार साहनी जी को ये जिम्मेवारी दी है, और इसके साथ ही श्री बाल मुकुंद जी हमारे उपाध्यक्ष होंगे जम्मू कश्मीर राज्य के, और प्रोफेसर भाटिया जी ये हमारे महामंत्री होंगे। ऐसे करके जो हमारे प्रमुख तीन पद हैं, उन तीन पदों के ऊपर आज ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर प्रांत में आकर के इस बात की मैं घोषणा करता हूँ। और ये भी उम्मीद इन लोगों से करूँगा कि आने वाले समय में संगठन का कामकाज जो है उसको जम्मू कश्मीर प्रांत के अंदर सुचारू रूप से चलाएं और बढ़िया तरीके से चलाएं, क्योंकि आज इस पूरे देश के अंदर जिस ढंग से लोग नौकरी करके सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उसके बाद उनकी मांगों को उठाने के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था की ज़रूरत होती है। भारतीय राज्य पेंशन महासंघ पूरे भारतवर्ष के अंदर एकमात्र ऐसा संगठन है जिसकी 24 राज्यों के अंदर अपना कार्यक्रम चलता है, 24 राज्यों के अंदर हमारी कार्यकारिणी है, 24 राज्यों के अंदर हमारा काम होता है। और आज जम्मू कश्मीर भी इसमें आप सब लोगों की शुभकामनाओं से सम्मिलित हुआ है। आज ज़रूरत यह है कि जब आदमी सेवानिवृत्ति के बाद अपने घर आ जाता है तो उसकी समस्याएं, उसकी ज़रूरतें बदल जाती हैं। उन सबको उठाने के लिए एक मंच की स्थापना हमारे मूल परिवार मूल विचार की ओर से हुई है, और उसको लेकर के आज हम जम्मू कश्मीर प्रांत के अंदर आए हैं। इसके दो विशेष रूप से महत्व हैं। पहला महत्व तो यह है कि हम अपने संगठन के कार्य कामकाज को आगे बढ़ाएं, और दूसरा हमारा महत्व यह है कि आपके जम्मू कश्मीर प्रांत में चुनावों का बिगुल जो है वो बजा हुआ है, और किसी भी प्रांत का जो सबसे बड़ा रीढ़ की हड्डी जिसको हम मानते हैं, वो इस प्रदेश जिस भी प्रदेश में प्रबुद्ध नागरिक होते हैं वो उस प्रदेश की रीढ़ की हड्डी होते हैं। और जो हमारे पूर्व में कर्मचारी रहे जिन्होंने 58 साल तक 60 साल तक कितने ही चुनावों को लड़वाया और कितने ही चुनावों में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, आज वो सेवानिवृत्ति के बाद वो प्रबुद्ध नागरिक जिनको हम की वोटर कहते हैं वो हमारी पार्टी की श्रेणी में आते हैं। आज इस बात का भी मुझे कहते हुए खुशी महसूस हो रही है कि आदरणीय साहनी साहब हमारे मूल परिवार से हैं, और जम्मू कश्मीर प्रांत के अंदर जो चुनावों का बिगुल बजा है, हम यक्ष रक्ष और शत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं, और पूरा जोर हम चुनावों के अंदर लगाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी होंगे उनको जिताएं, ताकि जो यहाँ के हमारे प्रभारी हैं जम्मू कश्मीर प्रांत के जो प्रभारी हैं आदरणीय अनुराग ठाकुर जी जो केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री हैं, हमारी बहुत सारी समस्याएं उनके पास लंबित हैं। अभी दिसंबर महीने में हमारा हिमाचल प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था जिसमें लगभग 22 राज्यों के लोग आए थे, तो वहाँ पर हर राज्य की बातों को लेकर के चर्चा हुई, और उस बैठक में भी आदरणीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी वहाँ उपस्थित थे, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वहाँ पर थे, पूरे हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट और बहुत बड़े अधिकारी दिल्ली से केंद्र सरकार से वहाँ पे आए थे। तो वहाँ पर भी ये निर्णय हुआ था कि हमारी एक बैठक दिल्ली के अंदर होनी प्रस्तावित थी, लेकिन वो इस कोविड काल के कारण हो नहीं पाई। तो अभी आपसे मिलने के बाद मैं माननीय मंत्री महोदय जी से मिलने भी जा रहा हूँ, और उनसे निवेदन करूँगा कि जैसे ही वो यहाँ चुनाव से फारिग होते हैं तो दिल्ली के अंदर हमारी बैठक जो है बुलाई जाए, और जम्मू कश्मीर के प्रांत के साथ साथ इस देश के तमाम वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनों के हित में जो हमारे मुद्दे हैं उनका हल जो है वो किया जाए।